नमस्कार, पीएनएम के फेसबुक लाइव दर्शकों का पीएनएम के लाइव में स्वागत है। बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक है और बोर्ड की परीक्षाएं नाम सुनते ही कहीं ना कहीं तनाव बोर्ड परीक्षाओं के साथ जुड़ा होता है। हमारे एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें ऐसा हवा बना दिया गया है बोर्ड परीक्षाओं का कि परीक्षा तो बच्चा बचपन से दे रहा है, लेकिन जब भी वो बोर्ड में आता है हम शायद पूरे साल उसे ऐसे ट्रीट करते हैं कि आप बोर्ड में हैं, आप बोर्ड में हैं और आप बोर्ड में हैं, और उसका जो पूरा तनाव है साल भर के बाद जब बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल हाथ में आता है तब बच्चों पर देखने मिलता है, और उसी के चलते बच्चे एक तनाव में आ जाते हैं। भले उनकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जब जब बोर्ड परीक्षाएं आती हैं खबरें बढ़ जाती हैं। अभी दो तीन दिन पहले आपने सुना होगा कि एक टेंथ क्लास की बच्ची घर छोड़कर चली गई और उसने कहा कि मुझे मम्मी की मार नहीं खानी है और इसलिए मुझे घर वापस नहीं आना है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। वही दो तीन दिन पहले एक ये भी खबर आई कि एक बच्चे ने सिर्फ इसी वजह से खुदकुशी कर ली क्योंकि उसे बोर्ड परीक्षाओं का डर लग रहा था। किस तरीके से बोर्ड परीक्षाओं का ये जो तनाव है, बोर्ड परीक्षाओं का जो हवा है उसे दूर किया जा सके, उसके लिए कहीं ना कहीं अब हमको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ने लग गई है। उस तरीके का तनाव हमने समाज ने अपने बच्चों पर डाल दिया है। कैसे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी की जाए तनाव मुक्त होकर, उस पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इस्माइल पाला को। सर बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। बोर्ड परीक्षाएं, मुझे लगता है कि आप भी ये जो बोर्ड परीक्षाओं का वक्त है उसमें ये तनाव आपको भी आ जाता होगा कि बहुत सारे केसेस इसी तरीके के आते होंगे। हाँ, मतलब ये रूटीन सा हो गया है सालों से कि ये जो पर्टिकुलर वक्त आता है मार्च महीने का जब भी शेड्यूल आ जाती है कि भाई अभी ये तारीख से एग्जाम होगी, इस तारीख को ये पर्चा होगा, इस तारीख को ये पर्चा होगा, तभी से खास करके जो बच्चे होते हैं जो एग्जाम में अपियर होने वाले होंगे, जो टेंथ और ट्वेल्थ, उनमें और उनके पेरेंट्स में एक तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। उसकी वजह मेरे हिसाब से ऐसी है जो आपने अभी कहा वैसे ही है कि जो बच्चे होते हैं उनको इस तरह से एक प्रेशराइज किया जाता है कि भाई आप बोर्ड दे रहे हैं, भाई एग्जाम तो एग्जाम ही है और एग्जाम की जो सिस्टम है वो भी वैसी ही है। बच्चा पहली से लेके नाइन्थ तक लेके टेंथ में भी इंटरनल एग्जाम्स देता रहा है, वो देता ही रहा है और उसमें कोई तब्दीली है नहीं। केवल इतना है कि ये जो पर्टिकुलर एग्जाम होगी वो ना के स्कूल कंडक्ट करेगी बाकी गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी और उसको उसके लिए शायद उसकी स्कूल से बाहर निकलना पड़ता है। तो वो दोनों चीजें मिला के एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि भाई ये आपकी बोर्ड एग्जाम है, दिस इज अ वेरी क्रूशियल ईयर एंड यू हैव टू एक्ट ऑन इट, बराबर है। तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर से मेरा मतलब है स्ट्रेस बढ़ जाता है। अभी ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेस बढ़ना नहीं चाहिए। देखो, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है कि अगर वो ना हो तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। जैसे आप मेरा एग्जाम्पल लो, आपका एग्जाम्पल लो, अगर आपको स्ट्रेस का बिल्कुल जीरो आपके दिमाग में स्ट्रेस होगा तो आप वक्त पे ही नहीं पहुंचेंगे यहाँ पे। स्ट्रेस का होना भी जरूरी है लेकिन वो लेवल टू लेवल चलना चाहिए। जैसे ही आपका स्ट्रेस बढ़ा आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, जैसे ही आपका स्ट्रेस कम हुआ आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। यानी स्ट्रेस और परफॉर्मेंस वो इक्वली रहना चाहिए। बढ़ने से भी परफॉर्मेंस डाउन होता है और कम होने से भी परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। बढ़ने से मतलब है कि नींद नहीं आना, किसी में मन नहीं लगना, चिड़ियापन आ जाना, और कम पर क्या बोलते हैं स्ट्रेस होने की वजह है कि लेजी हो जाना, बिस्तर पे सोए रहना, दोस्तों से मिलना नहीं। तो ये दोनों चीजों को इक्विलिब्रियम रख के हमें एग्जाम देनी चाहिए। ये मेरी पेरेंट्स से खास रिक्वेस्ट है कि एक माहौल नहीं खड़ा करे इस तरह का। यानी कहीं ना कहीं स्ट्रेस और प्रेशर, ये दोनों चीजों का एक बैलेंस बनाना होता है। प्रेशर जरूरी है लेकिन प्रेशर को स्ट्रेस में तब्दील नहीं होने देना है, ये कहना है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, किस तरीके की किस्से आपके सामने आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अब बच्चों को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने से हिचकते नहीं है अगर बच्चों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो किस तरीके के केस आपके पास आते हैं? रिसेंटली ये बहुत ही कॉमन हो चुका है कि करीब करीब हर स्कूल में अभी तो काउंसिलर रहते हैं और वो काउंसिलर कहीं ना कहीं हमारे संपर्क में रहते हैं। तो जब भी उनको लगता है कि जो बच्चा कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो काउंसिलर डायरेक्टली पेरेंट्स को बोलते हैं या तो काउंसिलर ही खुद भेज देते हैं कि भाई इसका आप कुछ इलाज को। और यकीन मानो स्ट्रेस की वजह से जो रूटीन केस आते हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेरा बच्चा अभी तक बहुत अच्छा कर रहा था पर जैसे एग्जाम में बैठने गया पूरा ब्लैंक हो गया, फेंट हो गया, ब्लैंक हो गया,
और अक्सर ये किस्से बार बार पेपरों में भी आते रहते हैं, जैसे आपने एक किस्सा सुना है कि एक बच्ची घर छोड़ के भाग गई, हो सकता है उसके पेरेंट्स ने उसको ज्यादा प्रेशर किया हो। सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं तो पेरेंट्स को क्या करना है कि उसकी जो क्षमता है उसका मापदंड उसके पास होना चाहिए। हर बच्चा डॉक्टर, हर बच्चा इंजीनियर, हर बच्चा पायलट नहीं बन सकता। सही बात है। अगर पेरेंट्स को भी मालूम होना चाहिए कि भाई मेरे बच्चे की कैपेसिटी क्या है, वो कैपेसिटी के हिसाब से उसको प्रेशर दे, वो कैपेसिटी के हिसाब से उससे बातचीत करे तो बेहतर रहेगा। उनका अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि नहीं मेरा बच्चा, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा बच्चा इंजीनियर ही बने, तो मेरे हिसाब से ये सब गलत है। मैं तो ये मानने के लिए भी रेडी हूँ कि भाई बच्चे को चॉइस दी जाए कि आपको क्या करना है। बराबर है। हमारे देश में कई ऐसे उदाहरण है जिसके हम देख के बता सकते हैं कि पढ़ाई है जरूरी, नो डाउट यू हैव टू हैव अ ग्रेजुएशन, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई को लेके एक करियर बनाओ। सही बात है। और भी बहुत सारे फील्ड अब डेवलप हो गए हैं। हाँ, काफी सारे हैं, जैसे स्पोर्ट्स है। जी बराबर। तेंदुलकर साहब मुझे नहीं लगता कि वो इतने पढ़े हुए हैं और ना कि वो जो पढ़े हुए हैं वो फील्ड में वो काम कर रहे हैं। आज बच्चा बच्चा उनको जानता है। मुझे ये नहीं मालूम कि भारत में कांग्रेस में कोई ऐसा सिंगल आदमी होगा जो सचिन तेंदुलकर साहब को नहीं जानता हो। तो बात यह है कि हम जो चीज है, अमिताभ बच्चन साहब, उनका नाम भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, उन्होंने अपनी फील्ड में पढ़ाई की के अलावा भी काम कर रहे हैं और उनका नाम इतना ही आगे रोशन हुआ है। तो कहने का मतलब है कि हम हमारी जो क्षमता है बच्चों की वो जाने और उसके हिसाब से उनको डेवलप करने की कोशिश करें तो वो अपनी पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। सही बात है। बच्चों की क्षमता को जाने और बच्चों की जितनी कैपेसिटी हो उसी तरीके का ट्रीट उन्हें किया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा एवरेज है 60% ला रहा है और अगर हम उनसे उम्मीद रखें कि वो 80% या 90% ले आए तो शायद वो 60% वाला जो उनका कोटा है, जो कैटेगरी है, उसमें भी शायद अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस ना दिखा सके। सर जी, अब तो ऐसा हो गया है कि बच्चे खुदकुशी तक करने लगे हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे 10वीं या 12वीं के एग्जाम से पहले खुदकुशी जैसा आखिरी कदम भी उठा लेते हैं। तो अगर ऐसी मानसिक स्थिति से कोई गुजर रहा है, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जो सुसाइड रेट है आजकल काफी बढ़ गया स्टूडेंट्स में, स्पेशली जो बोर्ड एग्जाम्स होती है उसमें। सुसाइड एक ऐसी चीज है कि आदमी या बच्चे जो भी है पर्टिकुलरली अटेम्प्ट करता है, कमिट करता है, तो उसके दिमाग में ये होता है कि दिस इज दी ओनली वे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं मानता हूं वहां तक जो भी बच्चा इस तरह की दिमाग में बातें लेके बैठा हुआ है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो वो अपने आप को खोजे, अपने आप में ही। उसके पेरेंट है वो उनको खोजे। बराबर है। जो पेरेंट और बच्चों का जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथ होना चाहिए। पेरेंट जो है वो बच्चे को नेगेटिव बातें बताते रहे कि तू तो कोई काम का ही नहीं है, तेरी वजह से तो ज्यादा बाजू के जो शर्मा जी का बेटा है उसने ज्यादा मार्क्स लिए, तेरे से ज्यादा तो तेरे भाई के मार्क्स आए, तेरे से ज्यादा तो तेरी बहन के मार्क्स आए, तेरे से ज्यादा तो तेरे कजिन्स के मार्क आए, यू नो ऑल दीज थिंग्स, तू निकम्मा है, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह की जो बातें पेरेंट्स जो नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं वो बच्चे के दिमाग में घुस जाती हैं और वो घुसने के बाद वो बोलता है कि भाई अभी मैं कितना भी पढ़ूं मेरे मार्क्स तो उतने आने वाले ही नहीं है, तो मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं दिखा, तो वो क्या करेगा फिर। और आजकल ये सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे सुसाइड करना है किसी को यूट्यूब में ढूंढ लिया, बहुत आसान हो गया। पहले इतना नहीं था। बराबर। तो उससे चीजों की वजह से ऐसा हो गया है कि हर चीज बहुत सिंपल है। बराबर है। तो मेरी पेरेंट्स से या बच्चों से राय है कि जो बंदा या जो बच्चा बिल्कुल थोड़ी बहुत भी सुसाइड की बात करता है उसको इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए। यहाँ पे एक प्रोवर्ब है जो बिल्कुल उल्टी है, बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स, ये हमने सबने सुना हुआ है, लेकिन सुसाइड में वो पूरा उल्टा हो जाता है। बार्किंग डॉग्स ऑलवेज बाइट, मतलब कहीं ना कहीं वो साइन देते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो रहता है, वो बोलते रहते हैं या कई बार अटेम्प्ट भी करते हैं। हमने तो इतनी हद तक पेरेंट्स को देखा है कि अटेम्प्ट कर लिया,
बराबर है, जैसे उसने वेन काटी जी, वो सर्जिकल डॉक्टर के पास गए, उन्होंने वेन को स्टिच लगा दी और बच्चा नॉर्मल हो रहा है, उसके बाद भी वो लोग साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं आना चाहते, शायद वो जरूरी नहीं समझते हैं कि हाँ, बच्चे को कहीं ना कहीं उस तरीके की ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, सिर्फ सर्जिकल की नहीं। हाँ वही, मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई इसने एक बार अटेम्प्ट किया और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दूसरी बार जाके कम से कम डॉक्टर को मिले ताकि दूसरी बार इस तरह की कोई हरकत वो ना करे। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि कुछ पेरेंट्स ये बात नहीं समझ पाते, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चे को कोई भी नेगेटिव रिमार्क्स नहीं देना चाहिए। उनके घर में आपके घर में ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा करो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जैसे बच्चे को लगे कि नहीं मुझे कोई प्रेशर, उल्टा अगर स्कूल में से उसको प्रेशर मिल रहा है टीचर्स की तरफ से और पीयर्स ग्रुप की तरफ से, तो उसको स्मूदन करने की भी कोशिश की जाए कि बेटा वो करे तो करे, बराबर है, आप एग्जाम दो, जो भी नतीजा आएगा हमें एक्सेप्टेबल है। और एग्जाम में दो ही चीज होती है, एक पास या फेल, बराबर है। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि सिस्टम होती है एग्जाम में कि जैसे आपको लिखा गया कि भाई एक निबंध लिखो राष्ट्रवादी नेता के ऊपर या राष्ट्रवादी प्राणी के ऊपर, अभी वो बच्चे ने वो पर्टिकुलर चीज के ऊपर अपना वो पैराग्राफ बनाया, बराबर है, वो पैराग्राफ को एक टीचर मान लो टीचर ए ने चेक किया, उसने उसको मार्क दिया 70 आई मीन, बराबर, वही निबंध जो है वो दूसरे टीचर ने क्लियर किया, उसने उसको मार्क दिया 60, वो तीसरे ने किया उसको मार्क दिया 80, बराबर, ये तो सब्जेक्टिव हो गया। वो बच्चे को तो उसने तो लिखा वैसा के वैसा, ये तीनों ने अलग अलग मार्क्स दिए, तो ये भी हो सकता है कि आपने जो एग्जाम दी, आपका जो चेक करने वाला जो बंदा है वो टीचर, उसने 80 वाला भी मिल सकता है और 50 वाला भी मिल सकता है। सही बात है, मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सिस्टम में भी हमारी थोड़ी गड़बड़ है, मतलब है ना, सिस्टम में गड़बड़ है ही, और इसलिए अपने बच्चों की मानसिक स्थिति को जाने, ऐसा कहना है डॉक्टर साहब का। साथ ही साथ अभी इस उम्र के बच्चों में जो एक चीज मोबाइल मैनिया के रूप में उभर कर सामने आ रही है, जो बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। सर, मोबाइल का इस्तेमाल बच्चे, मतलब घड़ी क्या आया, क्योंकि दोस्तों के बीच चैटिंग ये वो हमेशा चलता रहता, ऐसे में मोबाइल भी डिस्ट्रैक्टिव साबित होता है और बच्चों का ध्यान भटक जाता है। देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि 2018-2019 जो भी आप ईयर से मोबाइल का, ये स्मार्टफोन्स का इन्वेंशन हुआ है, सबसे ज्यादा खतरा कोई चीज का हो आज के जमाने में तो और किसी का नहीं, मोबाइल का है। सही बात है, है ना, मोबाइल विथ नेट जी, राइट। तो मेरी एक सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि टाइम मैनेजमेंट सीखे, बराबर। टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब है, ऐसा नहीं बोल रहा कि मोबाइल को आप हटा दो, आप पुराने वही BSNL के फोन यूज चालू कर दो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। हर चीज का एक वक्त फिक्स कर दो, आपको 7-8 घंटे सोने, आपको 1 घंटा मोबाइल लेना है, 1 घंटा आपको लेजर में टीवी देखना है या फिर आपको कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी वो करना है, और बाकी के वक्त में पढ़ाई करनी है, राइट। और जो शेड्यूल है वो शेड्यूल को मेंटेन करना है, यानी कहने की बात ये है कि कुल मिला के मोबाइल का यूज होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मोबाइल का यूज लिमिटेड पीरियड के लिए होना चाहिए। फिर वो आपका व्हाट्सएप या आपका फेसबुक कंटिन्यू हर मैसेज पे आपकी वो रिंगटोन बजती रहती है, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो, देखते रहते हो, तो ये मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली गलत है। ऐसा कोई किस्सा सर सामने आते हैं कि मोबाइल ले लेने की वजह से बच्चे को परेशानी हो रही हो या उनकी मानसिक स्थिति पे असर पड़ा हो? हाँ, यानी यही होता है कि एक्सट्रीम में, मतलब इस तरह के किस्से तो बहुत आते हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट वीक में एक किस्सा आ जाता है कि उसका यूजेज इतना बढ़ गया था कि अब हमने मोबाइल उससे छीन लिया, बराबर है। जैसे लड़के के किस्से में एक तो ये जो अफेयर्स होते हैं ये भी इनकी वजह से बढ़ गए हैं, या कुछ ऐसी चीज में वो पकड़े जाते हैं, चीजें अब अवेलेबल हो गए, तो वो कोई ना कहीं, कोई भी बच्चा अगर हाथ में आ गया पेरेंट्स के, तो वो एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। अच्छा। कि भाई इससे मोबाइल छीन लो, जी, जी, जी। उससे मोबाइल छीनने से वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने वाली, मोबाइल का उसका मिसयूज जो किया वो क्यों किया वो समझने की कोशिश करने से प्रॉब्लम सोल्व होने वाला है। तो कुल मिला के बात ये है कि बच्चों को देखो, बहुत ही सिंपल है ये सिस्टम समझना, बोर्ड एग्जाम, मोबाइल, टाइम मैनेजमेंट, सभी चीजों का मिला है, सुसाइड रेट, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो बातें हैं, 4 महत्व के सवाल हैं। पेरेंट्स को क्या करना है, बच्चे को क्या करना है, पेरेंट्स को क्या नहीं करना, बच्चे को क्या नहीं करना, 4 चीजों में पूरी चीज जमा हो जाती है,
बराबर है। और अगर हम इन चार सवालों से निपट ले तो शायद बोर्ड परीक्षा का तनाव नहीं होगा। मैं हर एक चीज जो मैंने आपको बताई वो धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको। बताइए पेरेंट्स को क्या करना है। पेरेंट्स को एक तो नेगेटिव रिमार्क्स कभी नहीं देने, नेगेटिव बातें नहीं कहनी, फ्रेंडली एनवायरमेंट बनाना है, कभी प्रेशराइज नहीं करना है, राइट। उसके अलावा मॉनिटरिंग रखनी है। मॉनिटरिंग से मेरा मतलब है कि बच्चा कौन से वक्त सोता है, कौन से वक्त उठता है, कौन से वक्त खाता है, कौन से वक्त पीता है, हर चीज का उनको ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो अपने बेडरूम में है, वो रात को 4 बजे सोता है, सुबह 7 बजे में उठ जाता है, 3 घंटे ही सोता है, या फिर वो ऑल द टाइम मोबाइल पे रहता है, या ऑल द टाइम टीवी देखता रहता है, या गेमिंग करता रहता है। तो ये सब चीजें पेरेंट्स को करनी चाहिए कि भाई ये चीजें हैं। यहाँ एक चीज और भी मैं जोड़ना चाहूंगी, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, हर वक्त बच्चे के सिर पे बैठे रहते हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? देखो आजकल के जमाने में स्पेस देना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे बाप बेटी हो, या माँ बेटी हो, जो भी हो, अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो घुटन सी महसूस होगी। अपने हर एक आदमी को अपनी जिंदगी जीने का तरीका मालूम होना चाहिए, राइट। अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, वहां पे तो 18 साल के बाद बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारे वहां वो कल्चर आने की तैयारी है, अभी आ नहीं चुका। तो वी आर इन द मिडल, हम वेस्टर्न भी फॉलो कर रहे हैं, अपना इंडियन कल्चर भी फॉलो कर रहे हैं, तो हम बीच में है। कई फैमिली अमेरिकन फॉलो करिए, कई इंडियन फॉलो करिए, कई बीच में लोग हैं, ज्यादातर बीच में ही है। तो बीच में वाले जो लोग हैं उनको ये है कि बस स्पेस दे, ऐसा भी ना हो कि उस पे वो वॉचडॉग बन के बैठे रहे कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये पहली बात थी पेरेंट्स और उसकी। अभी बच्चे को क्या करना है, बच्चे को क्या करना और क्या नहीं करना, दोनों चीज मैं कवर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो उसको जो उसका शेड्यूल है वो बना के रखना है, टाइम मैनेजमेंट जो मैंने आपको कहा। दूसरा, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ जाए इस तरह से वो शेड्यूल जो है वो चेंज नहीं करना। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को लेट तक जागते हैं और सुबह में सोते रहते हैं, तो वही सिस्टम फॉलो करें, उस वक्त एक्सपेरिमेंट के चेंज करने की कोशिश ना करें। अच्छा, नंबर वन। जैसे कई लोग बोले कि नहीं यार सुबह में पढ़ना बहुत अच्छा होता है, रात को पढ़ना अच्छा नहीं, तो उसने एग्जाम के वक्त चेंज किया, अल्टीमेटली मालूम पड़ा कि वो परफॉर्म नहीं कर पाया। नंबर टू, 7 घंटे की नींद होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए और होनी चाहिए, और वो एक साथ होनी चाहिए कि टुकड़ों में भी चले, एक साथ हो तो सबसे बेहतर है, अगर एक साथ ना हो तो भी चले, लेकिन हो तो बहुत ही बेहतर है, राइट। नींद क्यों इतनी मैं वजन दे रहा हूं उस पे, कि नींद जो है एक हमारा मोबाइल की बैटरी की तरह है। जो मोबाइल आपके पास आईफोन 1,10,000 रुपए का फोन है और उसमें बैटरी नहीं है, वो फोन की कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई काम कर ही नहीं सकता। उसी तरह से नींद हमारे दिमाग की बैटरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो आपने जो मेमोरीज किया हुआ वो रिस्टोर ही नहीं होगा, वो बिल्कुल रिस्टोर नहीं होगा। यानी 7 घंटे की नींद बहुत ही जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू, खाना पीना। खाना पीना, खाना पीने से मेरे मतलब है कि ऐसा नहीं हो, कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाते। कई लोग ये जो ड्रिंक्स आती हैं जैसे रेड बुल्स वगैरह हैं वो पीते रहते हैं कि वो पीने नींद ना आए, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो आपके अपने आप को तसल्ली दे रहे हो, बराबर। आपका बेसिक, आपका फंडा क्लियर हो तो इस तरह की बातों का कोई वजूद नहीं है। मैंने तो कई किस्से ऐसे भी देखे जब माँ बाप कहते हैं कि आपको ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना, आपको नींद आ जाएगी, आपको चावल नहीं खाने हैं। हाँ वही ना, मतलब ये सब चीजें फिर माँ बाप में आ जाती है कि माँ बाप अपने बच्चे को स्पेस दे, उसमें सभी आ गया, उनपे प्रेशराइज ना करें। तो नंबर ये मतलब ऐसा है कि बच्चे को शेड्यूल से चलना है और अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट नहीं करनी जो रूटीन में वैसे। सबसे बड़ी बात कि बोर्ड एग्जाम का जो जो एटमॉस्फेयर है वो हावी हो जाता है, वो हावी नहीं होने दे, है ना। वो हावी होने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से एग्जाम दो। केवल एक एग्जाम है जिसमें पास फेल या कम मार्क्स या पॉजिटिव मार्क्स वो आते रहते हैं, और ये एक ही एग्जाम नहीं है, ये आपकी आखिरी एग्जाम नहीं है, इसके बाद भी आपको एग्जाम देनी है। अगर यहां से आप हार हिम्मत हार गए तो आगे जाके क्या होगा, तो इस तरह की बातें हैं। दूसरी जो बातें हैं कि कई बच्चे क्या अपने आप को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों से, कि उसके इतने मार्क्स है, इसके इतने मार्क्स है। मेरे हिसाब से हर बच्चा इंडिविजुअली अपनी क्षमता को जाने, अपने आप को जाने और अपने आप से प्यार करने लगे, ताकि वो कभी इस तरह का गलत कदम भी नहीं उठाएगा
और आगे जाके वो बहुत आगे बढ़ेगा। वो अपने आप में खोजे कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करने से मुझे अच्छा लगता है, उसी में अपना करियर डेवलप करे तो ताकि और आगे बढ़ सकता है। उसको अगर बनना है डॉक्टर और आप जबरदस्ती इंजीनियर बना रहे हो, और जैसे बनना है जिसको इंजीनियर और अपने आप डॉक्टर बना रहे हो, वाइस वर्सा जो भी बोले, तो वो बच्चा कभी अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगा। या तो करेगा, वो सो वाली बात हो जाएगी, वो चलता रहेगा, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा जो बाकी लोग कर पाते हैं, है ना। यानी कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को जानिए, ये कहना है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है बोर्ड की परीक्षा में बच्चा जाके बैठा है, उसको सब कुछ याद है, उसने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जैसे ही पेपर, क्वेश्चन पेपर सामने आता है, वो अचानक से एक ब्लैंक हो जाता है, यानी वो एक डर होता है। ऐसे किस्से भी आपके सामने आते हैं? बहुत ही आते हैं जी, बहुत ही आते हैं। उस तरह के जो बच्चे होते हैं, उसको बोलता हूँ मैंने, जो स्ट्रेस लेवल एकदम बढ़ गया, तो उस तरह के बच्चे अगर आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उससे पहले ही हमारे पास आ जाते हैं, तो एक सिंपल सी दवाई होती है जो स्ट्रेस को कम करती है। वो देने से उसकी जो एंजाइटी होती है वो मेंटेन रहती है, वो बढ़ती नहीं है। और एंजाइटी अगर नहीं बढ़ती और मेंटेन रहेगी, तो उस तरह का जो ब्लैंक फीलिंग आएगा वो कभी आने ही वाला नहीं है। तो मेरी पेरेंट्स से या टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि जो जो बच्चे आपको लगे कि इस तरह के आइडेंटिफाई आप कर रहे हैं, उसको आपको आपके जो रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स है उसके पास जाना चाहिए और उसकी एक सिंपल सी दवा से ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। अगर बच्चों को कुछ किसी भी तरीके की दिक्कत है तो साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने से हिचकिचाइए मत। वो साइकियाट्रिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, वो अब मानसिक बीमारियों का इलाज नहीं करते हैं, वो आपकी मानसिक स्थिति का भी इलाज करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम कोई बीमार थोड़ी हैं जो डॉक्टर के पास जाए, लेकिन मन में जो उथल पुथल चल रही होती, कहीं ना कहीं कई बार बातचीत से भी सुलझ जाती है, और ऐसे में साइकियाट्रिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है, ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं को हवा ना बनाए और तनाव मुक्त रहकर परीक्षा दें। सर, वाइंड अप करने हम जा रहे हैं, बोर्ड परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं, बच्चे तैयारियों में जुटे हुए हैं, किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करेंगे आप? मोटिवेट तो बहुत ही सिंपल है कि अपने आप का अपना जो पॉजिटिव परफॉर्मेंस है वो देखें, नेगेटिव ना देखें जी, है ना। अपने जो जो भी रिलीजन में वो मानते हैं, बेसिकली रिलीजियन का यहाँ मोटिवेशन से मतलब ये है कि उनका सहारा ले जी, उससे भी उनको फायदा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ सकता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ सकता है ना। कई चीजें ऐसी हैं जिसे पॉजिटिव लेने से, खास करके पेरेंट्स नेगेटिव रिमार्क्स ना करें, ऐसी कई चीजें हैं, मतलब इसकी तो बड़ी लिस्ट बन सकती है कि भाई किस तरह से मोटिवेशन ले अपने आप को। पर बहुत ही सिंपल है, मोटिवेशन लेने का सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये देखें कि भाई आखिरी एग्जाम नहीं है, और ये एग्जाम तो मैं बचपन से देता आ रहा हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है, जस्ट इतना ही फर्क है कि मुझे कहीं और जाके देनी है, वो इसका नाम एक बोर्ड एग्जाम दे दिया गया। सही है, एग्जाम आते ही मोबाइल, टीवी और गाने, ये सारी चीजों से बच्चों को दूर कर दिया जाता है, क्या ये फायदेमंद साबित होता है कि बच्चों को जो अगर पसंद है वो करने देना चाहिए? देखो, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आती है तो रूटीन बदलाव नहीं करे जी। रूटीन में मेरा मतलब यह है कि केवल सोने की पैटर्न या खाने की पैटर्न नहीं, बाकी जो पैटर्न है बच्चे की, जैसे वो कौन से वक्त टीवी देखता है, कौन से वक्त स्पोर्ट्स खेलता है, कोई क्लब में जाता है वगैरह वगैरह, तो वैसे ही रूटीन में रहने दे। हाँ, जो फालतू का टाइम वो बच्चों के साथ बाकी फ्रेंड्स के साथ बिताता है उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, वो भी उसकी चॉइस पे है। बाकी एक कोई स्पेसिफिक चेंज लाने की या ऐसा माहौल खड़ा करने की जरूरत नहीं कि यू अपीयरिंग फॉर अ बोर्ड एग्जाम, यू हैव टू बिहेव दिस वे दैट वे, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसको एक रूटीन एग्जाम की तरह ही ले ताकि उनका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाएगा। वडोदरा शहर के स्टूडेंट्स और वडोदरा शहर के पेरेंट्स दोनों आपको देख रहे हैं, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो क्या? मेरी तरफ से तो यही है कि मैंने जो कुछ 5-10 मिनट में आपको बातें कही हैं, उसका अगर आप कहीं ना कहीं यूज करेंगे या अमल करेंगे तो आपको और आपके बच्चों को काफी फायदा होगा। और मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट फॉर देयर एग्जाम्स, एंड मुझे बहुत खुशी होगी कि आप में से किसी के भी मैं कोई काम आ सकूं। चलिए, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर इस्माइल पाला, जो मनोचिकित्सक है, और बोर्ड परीक्षाओं में कैसे
तनाव मुक्त होकर आप परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर जानकारी दे रहे थे। उनका कहना सीधा सीधा यही था कि अपने बच्चों की क्षमता को जानें और बच्चों को प्रेशराइज ना करें। बच्चों को प्रेशराइज नहीं करेंगे, उन्हें एक भरोसा दिलाइए कि आप कुछ भी परफॉर्म करेंगे हम आपके साथ हैं। अक्सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी, मेरा बेटा तो एग्जाम में नहीं घबराता है, रिजल्ट जिस दिन आने वाला होता है उस दिन घबराता है, उस दिन वो कहता है कि नहीं मुझे रिजल्ट लेने नहीं जाना, ये क्या मानसिक स्थिति है? नहीं उस देखो इस पे भी यही याद आ जाती है कि उसको मालूम होता है कि करीब करीब मेरा ये रिजल्ट आने वाला जी, है। जी 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 रफली हर एक बच्चे को अपनी कैपेसिटी मालूम होती है, लेकिन वो पेरेंट्स की प्रेशर होगी कि भाई उसको ऐसा होगा कि भाई नहीं आपका रिजल्ट तो इतना ही आना चाहिए, अदरवाइज वो नेगेटिव कमेंट्स वाली बात आ जाएगी, तो वो उसके हिसाब से ही वो घबराता है। कई किस्से यही सामने आते हैं, बच्चे दबाव में मतलब घर छोड़ के भाग जाते हैं रिजल्ट से पहले या इस तरीके से भी, तो कहीं ना कहीं ये भी बातें तनाव से और दबाव से जुड़ी हुई है। बच्चे खुद आजकल अपने आप को एक कंपटीशन में महसूस करते हैं और उस कंपटीशन में कहीं भी पीछे नहीं छूटना चाहते हैं। बच्चे भले ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़े, अगर अभिभावकों के रूप में समाज के रूप में हम उन्हें सहयोग करें तो शायद बोर्ड परीक्षाएं तो क्या जिंदगी की जो सारी परीक्षाएं उसमें भी बच्चे और सारे ही जो लोग हैं अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वीएनएम के साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। देखते रहे वीएनएम, नमस्कार।